पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेकर लगातार भारत पर हमला कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना पर बैठ हमला करने वाले आतंकी संगठनों को आउटसोर्सिस करने के बाद अब स्नाइपर शूटरों को भी आतंकियों को सौंप दिया है। भारतीय जवानों को निशाना बनाने में कामयाब होने पर जिहादी स्नाइपरों को 1,00,000 रुपए तक का इनाम दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर 150 से ज्यादा आतंकियों को स्नाइपर शूटिंग के लिए तैयार किया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की ओर से जुटाई गई सूचनाओं के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अल बदर, जैश और लश्कर से जुड़े आतंकियों को ही मुख्य रूप से स्नाइपर शूटिंग के लिए तैयार किया है। पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पिछले एक साल के दौरान लगभग 1.5 दर्जन जवानों को पाकिस्तानी चौकियों में बैठे जिहादी स्नाइपर शूटरों ने निशाना बनाया है। आपको बता दें कि कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, जहां अक्सर पाकिस्तानी सेना के इंस्ट्रक्टर जिहादी तत्वों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, जिनमें से कुछ को स्नाइपर शूटर बनाने के लिए चिन्हित किया जाता है। 10 में से 1 ही जिहादी को इस ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है, जिनमें से कुछ ही स्नाइपर शूटर बनकर बाहर आते हैं। आपको बता दें कि स्नाइपर शूटिंग के लिए पाकिस्तानी सेना ही टारगेट तय करती है। यह स्नाइपर शूटर अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ 1 या 2 शूटर हमेशा रहते हैं। टारगेट को निशाना बनाने के बाद वह अपने शिविर में लौट आते हैं। भारतीय सेना के पास भी स्नाइपर शूटर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।